नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हो आकाश न्यूज। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। Realme 5 मोबाइल में या फिर Realme 5 Pro मोबाइल में, किसी भी Realme फोन में अगर आपको हिंदी, आसामीस या फिर बंगाली या फिर कोई भी भाषा में अगर आपको टाइपिंग करना है तो बड़े ही आसानी से आप टाइपिंग कर सकते हो। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए क्योंकि मैं हरदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल सेटिंग में चले जाना है। जैसे ही आप सेटिंग में जाइएगा आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगी एडिशनल सेटिंग, ठीक है, इसमें आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसमें से सिंपल आपको जी बोर्ड जो लिखा हुआ है इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जी बोर्ड में क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो एक नंबर में जो आपको लैंग्वेज दिखाई दे रहा है इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। मैंने इसमें ऑलरेडी आसामीस और हिंदी ऐड करके रखा है। अगर आपको और भी भाषा ऐड करना है तो यहाँ पर नीचे दिया गया ऐड बटन पर क्लिक करके आप कोई भी भाषा यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो इसमें मैं ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंग्लिश, हिंदी, आसामीस, तमिल, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, आसामीस, बहुत सारी भाषाएँ इसमें आपको देखने को मिल जाती है। जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो या फिर जिस भी भाषा में आप अपने कीबोर्ड को करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने सेटिंग ऑलरेडी कर लिया। उसके बाद सिंपली आपको अपने मैसेज जिस भी जगह पर आप टाइप करते हो वहाँ पर आपको चले जाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पर टाइपिंग करना है, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग करना है तो नीचे आपको स्पेस बटन पर दिखाई दे रहा होगा इंग्लिश का एक ऑप्शन, इसमें आपको प्रेस करके रखना है। जब प्रेस करके रखोगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको जैसे कि हिंदी या आसामीस कोई भी भाषा में चाहिए तो आपको सिंपली उसमें क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं हिंदी में कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे हो। यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सजेशन आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग दे देते हैं, उसके बाद कैसे हो यहाँ पर लिख देते हैं। ऐसे ही करके अगर आपको एसएमएस में चाहिए तो एसएमएस में ऐसे ही करके बड़ी आसानी से आप टाइप कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के छोटे से वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज एक बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन की वीडियो आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।